नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे आई एम सॉरी, जो कि वंडर मैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ मम्मी। मम्मी, ये तो वही नामुराद चोरनी है, ये मुझे मम्मी क्यों कह रही है? मम्मी, तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही क्या? ये आवाज़ तो मेरी पूजा की है। पूजा, मेरी बच्ची, ये तू है? मुझे खोलो, परमाणु ने मुझे खामखा बांध दिया। पर तूने उस नासपीटी चोरनी का वेश क्यों धर रखा है? उसने मुझे मारने की धमकी दी थी मम्मी, वो परमाणु को धोखा देना चाहती थी। ओह, जो आफत थी वो भाग चुकी है, परमाणु को दूसरी बार भी डोज दे गई। उसका हुलिया बताओ। अपना मास्क उतारने से पहले उसने कार का बल्ब बुझा दिया था। जनाब परमाणु, ये देखिए। क्या है? क्लिप? ये क्लिप तो उफ, मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। हाँ, मेरा है। दूसरी बार भी किसी घटनास्थल से तुम्हारी चीज का मिलना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, शायद। छिप्रा, इट इज टू मच। मुझे जवाब चाहिए कि तुम्हारा क्लिप घटनास्थल पर कैसे पहुंचा। जवाब ये है, FIR। हाँ, मेरी पाजेब और क्लिप के बाद अभी शायद तुम्हें मेरी अंगूठी और ब्रेसलेट भी मिले। इन सब चीजों की रिपोर्ट मैं 3 दिनों पहले ही अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में कर चुकी हूं। तुम्हें वो बात याद है छिप्रा? याद दिलाओ। तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम कोई ऐसा अपराध कर दो जिसकी छानबीन के लिए मुझे तुम्हारे घर के बराबर चक्कर लगाने पड़े। कहा होगा? कहा होगा नहीं छिप्रा, कहा था। तो ओ समझी, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वैसा ही कर रही हूं। विनय, या तो मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत लाओ या फिर आरोप लगाना बंद करो, क्योंकि इतनी देर में तो मैं तुम्हें चाय पिला देती। छिप्रा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जो मैंने कहा वो सच है तो वक्त तुम्हें समझा देगा कि जबरदस्ती किसी चीज को हासिल करने का परिणाम क्या हो सकता है। तुम बच्चे होते तो मैं तुम्हें समझाती विनय कि मंजिल की ओर कदम बढ़ाने वाले ही मंजिल पाते हैं। ठीक कहा था छिप्रा ने, अंगूठी भी मिली और ब्रेसलेट भी। इन दो चीजों ने इंस्पेक्टर विनय की मुठियां कस दी थी। ओह छिप्रा, मैं जानता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर विनय जानता था कि वे दो चीजें उसे एक बार फिर छिप्रा के दरवाजे पर लेकर जाएंगी। खटखट, आती हूं। दरवाजा खोलने वाली खुद छिप्रा थी। तुम एक बार फिर, क्या अंगूठी और ब्रेसलेट भी मिल गए? हाँ मिल गए, लेकिन अब तुम उन्हें पहन नहीं सकोगी। वॉट डू यू मीन? अब तुम जो जेवर पहनोगी वो ये है, हथकड़ी। ओ रियली? लो पहना दो। सुहाग कंगन ना सही, सरकारी कंगन ही सही। मैं मजबूर हूं छिप्रा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास तुम्हारी इन दो चीजों के अलावा भी कुछ है। हवलदार, इसे पहचानती हो ना? ये तुम्हारी सैंडल है, जिनमें से एक मुझे घटनास्थल से मिली है। इसकी गंध पाकर पुलिस के प्रशिक्षित कुत्ते ही मुझे यहाँ लाए हैं। दूसरी सैंडल मुझे तुम्हारे मकान की चार दीवारी के बाहर पड़ी मिली है। तो और ये मास्क जो आफत के रूप में तुम लगाती रही हो, इसे घटनास्थल पर तुमसे टकराए सेठ मोतीलाल ने तुम्हारे चेहरे से नोचा था। उन्होंने मास्क के पीछे का जो हुलिया मुझे बताया वो तुम्हारा ही है। बस घटनास्थल से मिले इस चाकू पर उंगलियों के निशान किसके हैं, इसकी रिपोर्ट आते ही तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाएगा। फांसी का फंदा? क्यों? क्योंकि इस चाकू से एक खून हुआ है। खून? हाँ, और सेठ मोतीलाल ने ये खून करते तुम्हें देखा है। उसका बयान है कि इस चाकू से तुमने उसके बिजनेसमैन पार्टनर चोटीलाल का खून किया है। नहीं, ये झूठ है। वो 100% आश्वस्त है छिप्रा कि इस चाकू पर तुम्हारे ही उंगलियों के निशान हैं। हाँ,
होंगे क्योंकि चाकू तो मैंने अपने हाथ में पकड़ा था, पर खून के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। एक ऐसे चाकू पर जिससे एक खून हुआ हो और उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हो, तो क्या तुम साबित कर सकती हो कि वो खून तुमने नहीं किया? इस बार तुम फंस चुकी हो छिप्रा। सारे सबूत चीख चीख कर तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तुम इस आरोप से खुद को नहीं बचा सकती। नहीं, जो खेल तुमने आफत के रूप में शुरू किया था, उसका अंजाम अब फांसी का फंदा होने वाला है। नहीं, पर जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी मुझे सजा कैसे मिल सकती है? कैसे मान लूं तुमने ये गुनाह नहीं किया? कैसे मान लूं कि तुमने आफत बनकर उस रात धोखे से कार रोककर एक नौ दंपति को नहीं लूटा था? कैसे मान लूं कि तुमने पूजा को उसकी कार सहित किडनैप नहीं किया था? तुम्हें मानना होगा विनय, तुम्हें मानना होगा, क्योंकि मैंने उस नौ दंपति को लूटा जरूर था, लेकिन उसके जेवर उसी वक्त उनके डिग्गी में छोड़कर उन्हें बाद में फोन पर बता दिया था। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट की है तो वो दिखाओ। मैं पूजा की कार ले भागी थी। मुझे नहीं पता था कि पूजा भी अंदर है, लेकिन मेरा इरादा कार को यूं ही आसपास छोड़ देने का था। वैसे भी मैं जानती थी कि पूजा ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी। और वो घर जो सेठ मोतीलाल का है, वो घर मेरी सहेली कामना का भी है, लेकिन उस वक्त उसे घर ना पाकर कामना मैम साहब घर में नहीं है। मैंने आफत के रूप में अंदर जाने का निश्चय किया। अपनी अंगूठी और ब्रेसलेट मैंने जाते वक्त गिरा दिए थे। अंदर अंधेरा था। मैंने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया। मैं अंदर आ गई। किसी कीमती चीज की तलाश में मैंने अलमारी खोलनी चाही तो वो खुली मिली, लेकिन अलमारी के पट खोलते ही कोई भारी चीज मेरे ऊपर आ गिरी। उफ, मैंने ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, ओह नो। वो एक लाश थी। मैं चीख कर पीछे हट गई। लाश नीचे गिर गई, धार। उफ, उसी क्षण सारा कमरा रोशनी से भर भर आ गया। खून, तुमने खून कर दिया? नहीं। मेरी सांस ऊपर की ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कामना के पिता मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो मैंने वही टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया। खबरदार, आगे मत बढ़ना, ये खून मैंने नहीं किया। बिगड़े हुए हालातों ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं भाग निकली। उस चाकू को मैंने फेंक दिया जो मुझे नहीं मालूम था कि हत्या में प्रयुक्त हो चुका है। और बाद में सेठ मोतीलाल ने मुझे फोन पर इस कत्ल के विषय में बताया तो मैं वहां पहुंचा और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मुझे मिल गए। मेरा यकीन करो विनय, मैं जो चीज वहां से चुराने वाली थी, उसकी जानकारी कामना को देने वाली थी। आफत में सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, तुम्हारा साथ पाने के लिए, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा साथ पाने के लिए। कुछ गलत हरकतें की, तुम्हें अपने तक लाने के लिए हर बार अपनी चीजें वहां छोड़ी, लेकिन मेरी वो हरकतें जुर्म नहीं थी। हां विनय, तुम उन्हें जुर्म मत कहना, शायद मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई हूं। हां विनय, तुम्हें बार बार देखना चाहती थी, लेकिन अपने प्यार का ये अंजाम नहीं चाहती। जेल हुई तो भी तुमसे दूर हो जाऊंगी, फांसी हुई तो भी। दूरी की आशंका ने मेरे होश उड़ा दिए हैं विनय, क्योंकि इस स्थिति की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। मुझे माफ कर दो विनय, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी। ये खून मैंने नहीं किया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। छिपरा, उफ, हवलदार, जल्दी आओ, इसे अस्पताल ले जाना होगा, किसी सदमे से बेहोश हो गई है, बट डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगी। देखा छिपरा, तुम्हारी मोहब्बत की दीवानगी ने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया? साबित हो गया कि चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। एक खेल था जो तुमने खतरा बना लिया। आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना छिपरा, निर्दोष पर आँच नहीं आने दूंगा। चलता हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि असली मुजरिम ही कोर्ट में पेश हो। कुछ ही घंटों में चोटीलाल मर्डर केस के अपराधी को कोर्ट में हाजिर करना है। अब असली मुजरिम को कोर्ट में ले जाना जरूरी था। आओ इंस्पेक्टर, आओ इंस्पेक्टर,
तुम्हें तो इस वक्त सेठ चोटीलाल हत्याकांड के असली अपराधी के साथ कोर्ट में होना चाहिए, इसलिए तो यहाँ आया हूँ सेठ मोतीलाल। क्या मतलब? उस चाकू की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है जिससे चोटीलाल का खून हुआ है। चाकू पर आफत और छिप्रा की ही उंगलियों के निशान मिले हैं। ओह, मैं जानता था ऐसा ही होगा, लेकिन अभी वो बहुत कुछ बाकी है सेठ, जो आप बिल्कुल नहीं जानते। क्या मतलब? रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि छिप्रा की उंगलियों के निशान चाकू के मूठ पर लगे खून के निशानों के ऊपर ही बने हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि चाकू की मूठ पर खून पहले से लगा हो और कोई बाद में उसे पकड़े, क्योंकि कत्ल करते वक्त हत्यारे की पकड़ चाकू पर बहुत सख्त होती है, और ऐसी हालत में उसकी उंगलियों के निशान खून के ऊपर आ ही नहीं सकते, और ना ही खून रिस कर उंगलियों के नीचे जा सकता है। इससे ये साबित होता है सेठ जी कि कत्ल चाकू आफत के हाथ में पहुंचने से पहले ही हो चुका था, और उस वक्त बंगले के अंदर आफत के अलावा सिर्फ आप थे, यानी अगर दूसरा कोई कत्ल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो सकते हैं सेठ मोतीलाल, सिर्फ आप। कत्ल आफत ने नहीं किया ये तो तुम साबित कर सकते हो, लेकिन मैंने किया है ये साबित नहीं कर सकते इंस्पेक्टर विनय। इसे मैं साबित करूंगा भी नहीं सेठ, इसे साबित करेगा कानून का यह डंडा, धार धार धार, ये तुम्हारी सारी चालाकी को भुला देगा। हाँ, चोटीलाल का कत्ल मैंने किया है ताकि उनके 50% शेयरों पर भी मेरा अधिकार हो जाए। कोर्ट तक यही कहते हुए चलना और फिर बाहर आओ छिप्रा। मैंने असली हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। न, अब रोना मत। आई एम सॉरी विनय, आई एम सॉरी। रिलैक्स रिलैक्स। किसी इंसान को चाहने का सबसे आसान तरीका बताऊं? वो तरीका है फ्रेंडशिप, उस इंसान को अपना दोस्त बनाए रखना हमेशा। तुम ठीक कहते हो, दोस्त कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, पास होते हैं हर वक्त हमेशा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।